उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी में जहां प्रत्याशियों का ऐलान होते ही बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं, तो वहीं पार्टी ने उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय पर बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। आखिर क्यों उत्तराखंड में बीजेपी को बाउंसर तैनात करने पड़े और किस बात पर बीजेपी में मचा है घमासान, देखते हैं ये इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही पार्टी के अंदर से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार खुले आम बगावत पर उतारू हैं। पार्टी संगठन अभी तक किसी दावेदार को मना नहीं पाया है। उत्तराखंड भाजपा में बढ़ रहे विरोध को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय देहरादून पर बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। टिकट बंटवारे के बाद जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिले उनकी तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। कई लोग पार्टी कार्यालय पर विरोध के दौरान हंगामा भी कर सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हंगामे की आशंका से पहले ही पार्टी बचाव में लग गई। वहीं कार्यालय पर पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध और हंगामे की आशंका को लेकर लगाए गए बाउंसरों पर पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी की 11 विधानसभा सीटों पर भी टिकटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी सोमवार को 11 सीटों के लिए भी नामों का ऐलान कर सकती है। अभी तक बढ़ चुके टिकटों के आधार पर हो रही बगावत की वजह से बीजेपी को नरेंद्र नगर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग जैसी सीटों पर ज्यादा परेशानी हो सकती है। इन सीटों के दावेदार टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले सकते हैं, जिससे पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तराखंड बीजेपी से कांग्रेस में गए हरक सिंह रावत पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हर हालत में उत्तराखंड में बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। तो इस बार उत्तराखंड में बीजेपी के लिए उसके अपने ही दुश्मन बन गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।